मंडलायुक्त अनिल ढींगरा की अध्यक्षता में जीडीए बोर्ड की 125वीं बैठक सकुशल संपन्न हुई। इस दौरान मंडलायुक्त अनिल ढींगरा ने कहा कि रामगढ़ ताल के किनारे रिंग रोड का कार्य दिसंबर तक पूरा कर दिया जाएगा, नहीं तो संबंधित अधिकारी के लिए कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि खोराबाड़ टाउनशिप व मेडिसिटी की का कार्य समय से पूरा किया जाए, क्योंकि मुख्यमंत्री स्वयं इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, इसलिए कार्यों को समय से पूरा किया जाए। जीडीए की तरफ से जो भी विकास कार्य चल रहा है उसको जल्द से जल्द पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कार्यों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, इसलिए कार्यों का समय अवधि के अंदर पूरा किया जाए। इस अवसर पर जिलाधिकारी कृष्णा करुड़ेश, जीडीए उपाध्यक्ष आनंद वर्धन सिंह, नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल, जीडीए सचिव उदय प्रताप सिंह, जीडीए बोर्ड के सदस्य दुर्गेश बजाज सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। शेयर किया था सर आपसे, संभवतः पीडब्ल्यूडी भी इसका आनंद गठन करके फिलहाल तो हमने होल्ड पे कर दिया। इसका पीडब्ल्यूडी को पैसा नहीं मिलेगा। इसके बाद सर एक प्रस्ताव संख्या 124.11 जो है सर, इसमें जो घाटी बिहार कॉलेज और सर इसमें लैंड वाला एक लेकिन एक चीज़ ये बताओ, ये जो आपका जो गीति का आपने बताया है ये 124.08 है, क्योंकि महाराजी ने काफ़ी बार शासन से एक्सटेंशन मिल जाए, बाकी सर वो थोड़ा सा सिविल नेचर का जो अपना तेजिश कराते कराओगे क्यों प्रवेदक जाना पड़ेगा सर। इसमें एक्चुअली इसका मिट्टी का काम करना है, करो ना दिक्कत। हाँ वो मिट्टी ला के पाटनी है, उसमें 7-8 फीट की मिट्टी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर वही तो बोले वॉल सर लगभग कंप्लीट हो रहा है, कहते बंदा हमारा पूरा है ना, लॉन्ग टेनिस और बैडमिंटन कब तक होना है इसमें? जुलाई चल रहा है सर, इसमें तो धनराशि हमें नहीं प्राप्त हुई, ये भी त्वरित नहीं पैसा मांगा गया है।